मजदूरी को प्याग हो तो फिर गन्ने का ही को आग हो, गन्ने का ही को आग हो। बढ़िया ले रिया मारो तारो। हेलो दोस्तों, सत्यनारायण कुशवाहा राजस्थान की धरती से प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं घाटाकेड़ी गांव में लेके आया हूँ। अभी जो होली का माहौल निकला है तो कुछ होली के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। होली पर शराब पीते हैं, ज़्यादा ही पीते हैं ना? ज़्यादा पीते हैं। गांव में भी पीते हैं या मतलब सिटी में भी पीते हैं? अच्छा गाँव में ज़्यादा पीते हैं। अच्छा तो गाँव में जैसे ज़्यादा पीते हैं तो इससे कोई फायदा है कि शराब से? नुकसान है। तो शराब से क्या नुकसान है? शरीर की भी है। अच्छा, और दूसरे बात बच्चा बच्ची परेशान है। पैसे का भी है? पैसा की भी, जेब से पैसे भी जाते हैं। अच्छा, नुकसान ही है। नुकसान है, फायदा थोड़ी। अच्छा, लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा कोई से, कोई बहन बेटी से, कोई कुछ से, क्या कर रहे हैं क्या पता क्या। अच्छा तो मैं आज सर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, शराब से अगर नुकसान है तो गवर्नमेंट को इसको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एक हिसाब से करनी चाहिए जी। होना चाहिए, होना चाहिए जी। अच्छा, अगर गवर्नमेंट को फायदा भी है इसमें तो गवर्नमेंट के कितना फायदा ये बताइए आप। गवर्नमेंट को फायदा है इसमें? गवर्नमेंट का फायदा पूरा फायदा। अच्छा, सरकारी से चल रही है? आधी सरकार शराब से ही चल रही है। अच्छा, शराब में पैसा आ रहा, लड़ाई झगड़ा है तो गवर्नमेंट को ज्यादा आमदनी है। हां, तो इसी वजह से बंद नहीं हो रही है? तो अगर बंद हो जाए तो इस पे क्या असर पड़ेगा पब्लिक पे? भाई पब्लिक को फायदा होगा या नुकसान होगा? अच्छा आप बताइए क्या फायदा होगा? अच्छा, और जैसे जो पीते हैं लोग उस पे क्या असर पड़ेगा? चीज नहीं मिलेगी तो पिए कहाँ से? सरकार बंदी कर देगी तो दांतों पे नहीं, नुकसान होगा कहाँ से? तो पब्लिक को फायदा होगा इससे? फायदा होगा। अच्छा अच्छा, जैसे ये शराब के बारे में जैसे पब्लिक परेशान है, बच्चे बच्चे परेशान, घर वाले परेशान है, शराब तो परेशान है सराब। भाई शराब तो एक पीता है, बाकी बच्चे बच्चे भी परेशान, लेडीज भी परेशान, है ना, पूरा घर परेशान है ना। तो अच्छा इस मुद्दे पे किसी आपको आपके क्षेत्र के सांसद भी है, आपके क्षेत्र के विधायक भी है, तो उन्होंने कभी मुद्दा उठाया इस बारे में कि भाई शराब बंद होना चाहिए, इससे पब्लिक गरीब पब्लिक परेशान है? एक सवाल आपको पूछेगा, तो आप पब्लिक शराब पीते तो इससे नुकसान है या फायदा है? नुकसान है। नुकसान है, तो इसको बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर जैसे शराब बंद हो जाएगी तो कितना सुधार हो जाएगा पब्लिक? कितनी सुधार हो जाएगी? अबे पूरा बगड़ गया, गरीब मनक कहाँ से लाके, और भैया रे परेशान। अच्छा, घर का परेशान। अच्छा, और यह परेशान नहीं सही कह रहा वे? एक आदमी पूरा घर को नुकसान कर दियो, पूरा दारू से घर की बर्बादी, बर्बादी हो रही, परेशानी है, सब बात की परेशानी, सब बात की परेशानी है, सब बिल्कुल नुकसान, फायदा नहीं दारू से, कोई फायदा 50 रुपए नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल सही है, गन्ने का ही को आगो, एक पूरा 300 कोई दारू पिया को देगो फिर लेगो तो गन्ने का ही फायदा। भाई क्वार्टर लाओ, घर पे घर पे क्या लेके आएगा? दो टाइम तो चलेगी दो टाइम तो चलेगी शक्कर। नहीं सही कह रहा है वे, बढ़िया फोटो ले रहा, बढ़िया ले रहा। तो दोस्तों मैंने जो इन गांव के लोगों से जानकारी हासिल की है और इनसे कुछ सलाह किया हमने, तो शराब के बारे में, तो इन सभी ने शराब को बंद करने का ही उम्मीद जताई है। तो इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक है उनसे कहना चाहूँगा, जो क्षेत्र के कलेक्टर है उन सभी सर से मैं कहना चाहूँगा कि इस एरिया में शराब तो बंद होना चाहिए, अगर बंद भी नहीं होता है तो समय के अनुसार लिमिट से या तो 2 घंटे या 1 घंटे के लिए छूट देना चाहिए, ताकि गरीब पब्लिक का पैसा फालतू में व्यर्थ में नहीं जाए और गरीब पब्लिक को कुछ फ़ायदा हो सके,
मैं आपका दोस्त सत्यनारायण, धन्यवाद।